डबल रखे, सिंगल ना रखे, पैरेलल सद्दी रखे, आप धोखा नहीं खाएंगे। मैं यहां करता हूं, तराजू की तरह तौलिए, देख रहे हैं। हाय रहेगा, मैं हूँ वॉन्डर अभिषेक। अब मुझे आप इस नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी पुरानी पहचान थी पतंगबाज अभिषेक। पुराने दिन थे, लेकिन फिर से रवा हो रहे हैं, ताज़े हो रहे हैं इन्हीं पतंगों के साथ, उन्हीं डोर के साथ और उन्हीं यादों के साथ। बहरहाल ये तो थी मेरी बात, अब आते हैं आपकी बात पर। मामला ये है, मैं पतंगबाजी के ट्यूटोरियल्स चला रहा हूँ और इन्हीं ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू टाई अ नॉट ऑन दीज काइट्स, यानी कि पतंगों में कन्ने कैसे बांधे जाते हैं, ऐसे कन्ने जो आसमान में ना दगा दें और आपको खींचने पे मजबूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टेप है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि पतंग में खुदाई कहाँ करनी है, छेद कहाँ करना है। सो आप इसके लिए लकड़ी की डंडी, झाड़ू की सीख, माचिस की तीली, टूथपिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने झाड़ू की डंडी ली है, पता चलेगा तो घर में बहुत पिटाई होगी। सो ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, ऊपर वाला जहाँ पर कांप है, कांप और ये जो ठड्डा है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, जहाँ इसका इंटरसेक्शन हो रहा है ऊपर वाले सेक्शन में, वहाँ पर हमें एक छेद करना है इधर, दैट्स ये वाला, और दूसरा छेद करना है यहाँ। So, ऐसा हो गया, दिख रहा है आपको? आई थिंक ये विजिबल है ना? So, एक छेद हो गया यहाँ, दूसरा छेद नीचे करते हैं, और नीचे थोड़ा सावधानी और सहूलियत के हिसाब से करते हैं। आप ये मान के चलिए कि जहां पर इसकी जॉइंटर या जॉइनिंग होती है कागज के साथ, वहां कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रखें कि बैलेंस हो, बहुत नीचे भी ना हो और बहुत ऊपर भी ना हो। तो मेरी पतंग में जैसे इधर है, तो मैं यहाँ करता हूँ, आप गौर फरमाइएगा। और हाँ, छेद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसमें बांधेंगे डोर। डोर के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तीन ऑप्शंस हैं, मांझा, सद्दी या नाइलॉन। मेरा सजेशन रहेगा कि आप सद्दी को यूज करें, क्योंकि नाइलॉन जो है वो ऐंठता है, टाइट होता है, मांझा बहुत रफ होता है, सद्दी सबसे लचीली होती है, आराम से बन जाती है। आप दो गांठ, तीन गांठ, चार गांठ और इवन फोल्ड करके बांधें प्रोफेशनल्स की तरह, ताकि आपकी पतंग हवा में खुले नहीं। सो आई एम गोइंग टू यूज सद्दी। आई थिंक 6 क्वार्ट की है ये, यानी कि 6 क्वार्ट का सेंस ये है कि इस डोर को अगर हम माइन्यूट करेंगे तो इसमें छोटे छोटे महीन 6 रेशे निकलेंगे। सो आई थिंक मेरा पतंगबाजी का ट्यूटोरियल ये बंदर भी सीखने आए हैं। सो मैंने अपने अंदाज के हिसाब से सद्दी को तोड़ लिया, और आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको डबल रखें, सिंगल ना रखें, पैरेलल सद्दी रखें, ताकि इसको डबल सपोर्ट मिलेगा, लाइक दिस। एक गांठ ऊपर, एक गांठ नीचे। सो पहले ऊपर से शुरू करते हैं। सो ये गया, ठीक है, और एक गांठ डन। अब एक काम करना है आपको, इधर से पहले एक दो गांठ नहीं मारनी है, आप इधर से रिवर्स करके लाना है, ये, और इधर से ले आए। ये हो गई इसकी पहली लेयर, ठीक है, आई थिंक फोकस में आ गया। हाँ, सो दैट्स दी फर्स्ट लेयर, और अब इसकी दूसरी लेयर भी ले लेते हैं।
ये हो गया, इसको क्रॉस कर आगे लाए, थोड़ा टाइट हो गया है। मैंने डोर छोटी रखी थी, आप लंबी रखिएगा, उससे बेहतर ये होगी कि आप बांध पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा पुराना चावल टाइप का आदमी होता है बांध लेता है, हर आदमी नहीं बांध पाता। सो ये हो गया ऊपर का सेक्शन, थ्री लेयर करना है, देख रहे हैं मोटा मोटा, और इधर से भी चेकआउट कर लीजिए। सेम चीज नीचे वाले सेगमेंट में भी रिपीट करनी है। सो ये खींच खाच के डबल लेयर वाले के पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। आप सोच रहे होगे यार ये इतना दिमाग क्यों लगा रहा है। होता क्या है, जब पतंग हवा में होती है और जिस दिन हवा नहीं चल रही होती है, ये गौर करने वाली बात है, जिस दिन हवा कम होती है, धीमी होती है, उस दिन क्या होता है कि पतंगबाज को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है ठुमकियों पर, ठुमरियों पर। और ऊपर जब पतंग होती है हवा में तो उस पर जोर बहुत पड़ता है। इट मीन्स कि जब पतंग पर जोर पड़ेगा तो कन्ने खींचेंगे, और अगर सिंगल लेयर होगी तो इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है वो खुल जाएगा। तो इसलिए ये दोहरी या तिहरे लेयर जो लंबे लंबे पेंच मैदानों से काइट क्लब से उड़ाते हैं, सेंटर से उड़ाते हैं, वो लोग इसी तरह से बांधते हैं। ये हो गया दोहरी वाला हिसाब। कन्ने मेरे छोटे बने, करना क्या है, इस वाले स्टेप पर जब आप पहुंचेंगे ना तो आप कैसे तय करें कि ये कन्ना बिल्कुल दुरुस्त बना है, जिसमें पतंग नाचे भी भागे भी और बिल्कुल आपके उंगलियों के इशारे पर हवा में अटखेलियां करें, है ना। सो आप कोशिश करिए कि इसको तराजू की तरह तौलिए, देख रहे हैं तराजू की तरह, जैसे मैंने रखा है, और हल्का सा इंक्लाइंड रखिए, झुका हुआ रखिए आगे की तरफ, जैसे ये बैलेंस्ड है तो मैं इसको इधर थोड़ा सा रखूंगा। ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और कन्ना दिखाऊंगा दूसरी पतंग का, जो थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। सो यहां पर सिंगल ही गांठ बांधनी है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये देखिए कैसे नाच रही है। अब इसको देते हैं हल्की सी झप, और ये मेरे पतंगबाजी के जखीरे में बिल्कुल मुस्तैद हो गई। वो ये था छोटा वाला कन्ना, बिल्कुल दुरुस्त वाला कसा हुआ कन्ना। सो दैट्स हाउ आई यूज टू टाई नॉट्स ऑन माई पतंग, यानी कि मैं इस तरह से अपनी पतंगों में कन्ने बांधता हूँ। आई होप ये ट्रिक एंड टिप्स आपके काम आएंगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक इन्हीं पतंगों के साथ मैं खुर रोता हूँ।